नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। लेट्स सी व्हाट इज टैग। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में जो हमने लास्ट टाइम में एग्जांपल देखा था, उसमें हमने लिखा था H1 और H1 में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। बाद में फिर हमने पी टैग यूज़ किया था, उसमें लिखा था bydishasun.com। सो ये जो H1 टैग है या पी टैग है या ये जो बॉडी टैग है, इन्हें टैग्स बोलते हैं। टैग्स नॉर्मली क्या होता है, दो एंगल ब्रैकेट के बीच में जो वर्ड लिखा होता है, वो एंगल ब्रैकेट्स प्लस वो वर्ड मिलके टैग्स बनते हैं। टैग्स नॉर्मली पेयर में आते हैं। पेयर में आते हैं मीन्स स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ऐसे टैग्स आते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में एक ही डिफरेंस होता है, जो क्लोजिंग टैग्स होता है आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो। क्लोजिंग टैग जो होता है, क्लोजिंग टैग में आपका जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे हेड है, हेड क्लोजिंग टैग में भी हेड वर्ड यूज़ किया है, सिर्फ उसमें एक फॉरवर्ड स्लैश ऐड किया गया है। सो स्टार्टिंग टैग में मैंने सिर्फ दो एंगल ब्रैकेट में हेड लिखा है, और क्लोजिंग टैग में भी दो एंगल ब्रैकेट में हेड लिखा है, लेकिन स्टार्ट विद द फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। सो हेड हमारा टैग बोलते हैं इन्हें, जो एंगल ब्रैकेट में जो कुछ भी वर्ड आएंगे आपके, उसे बोलेंगे टैग। दूसरी चीज, टैग आते हैं पेयर में, उसमें स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है, ठीक है। तीसरा, उन्हें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी बोला जाता है, ठीक है। चौथी बात, जो आपके टैग्स होते हैं वो यूज़र को विजिबल नहीं होते हैं, यूज़र के लिए वो हिडन्स होते हैं। वो सिर्फ ब्राउज़र को बताते हैं कि मेरा पेज में इस टेक्स्ट को आपको कौन सी फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करनी है, या ये सेक्शन मुझे यूज़र को दिखाना है नहीं दिखाना है, या इसके बारे में क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्राउज़र को। यूज़र को आपके टैग्स नहीं दिखते हैं। चौथी बात, बोगस टैग्स अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे हेड लिखा है, ये लिखा है, आप अपने मन से कोई भी टैग बना के नहीं यूज़ कर सकते। टैग्स आर प्री डिफाइंड इन HTML एंड XHTML एंड ऑल्सो डायनामिक HTML, ओके। नेक्स्ट थिंग, वहाँ पे कुछ एम्प्टी टैग्स भी होते हैं। एम्प्टी टैग्स मीन्स क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, और मुझे हेलो और वर्ल्ड दो अलग लाइन में दिखाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक br टैग होता है। तो ये जो br टैग है, ये एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टैग आता है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम HTML में, उसको सेल्फ क्लोज करते हैं। सेल्फ क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, हमारा वर्ड लिखना है, मींस एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हमारा वर्ड जो कि यहाँ पे br है, और उसके बाद स्पेस देके हम उसमें फॉरवर्ड स्लैश ऐड करते हैं, और फिर अपना क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सो इसे बोलते हैं एम्प्टी टैग्स। ऐसे एम्प्टी टैग्स बहुत है HTML में, जैसे इमेज है, तुम्हारा HR है, हॉरिजॉन्टल रूल, बाद में ये ब्रेक लाइन है। सो ऐसे कुछ एम्प्टी टैग्स भी आपको मिलेंगे जिन्हें आपको सेल्फ क्लोज करना है, ताकि आपका पेज प्रॉपरली रेंडर हो। अगर यहाँ पे मैं ये इसे सेल्फ क्लोज नहीं भी करता हूँ, तो भी आपका वेब पेज लोड हो जाएगा, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस के लिए आप इसमें फॉरवर्ड स्लैश ज़रूर यूज़ कीजिए, जो आपके एम्प्टी टैग्स हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ है एट्रीब्यूट्स। ये तो हो गए टैग, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आपके टैग्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी ये हेलो वर्ल्ड वर्ड है, इसे मुझे एक स्टाइल देना है, इसको मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, सॉरी, वो मैं यूज़ करूँगा, और उसकी वैल्यू दूंगा बैकग्राउंड कलर, और चलो कोई भी देते हैं, एक्वा दे देते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि पूरा बोर्ड आपको दिखे, ठीक है। और ये मैंने सेट कर दिया। अभी मैं अगर इसे ब्राउज़र में रीलोड करूँगा, तो जो हमने br दिया था, वो br की वजह से हेलो वर्ल्ड दो सेपरेट लाइन में आ गए, और इसको बैकग्राउंड कलर भी आ गया। तो ये काम होता है एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, आईडी प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और तुम्हारा क्लासेस डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं,
और हम जो जावास्क्रिप्ट से जो एक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑन क्लिक मीन्स इस एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए वगैरह, ऐसे भी जो कुछ हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए भी एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली एट्रीब्यूट्स पेयर में आते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स नेम जैसे यहाँ पे स्टाइल है और एट्रीब्यूट्स वैल्यू जो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने प्रोवाइड की है इस पेयर में आते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स सिंगल भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई इनपुट फील्ड है उसे मुझे डिसेबल करना है तो मुझे सिर्फ डिसेबल्ड लिखना है उसमें, तो ऑटोमेटिकली वो फील्ड डिसेबल हो जाएगी, मीन्स यूज़र को एक्सेसिबल नहीं रहेगी, दिखेगी लेकिन यूज़र को एक्सेसिबल नहीं रहेगी। सो एट्रीब्यूट्स कम इन पेयर, एट्रीब्यूट्स नेम, एट्रीब्यूट्स वैल्यू, और ये जो आपका टैग होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग है एलिमेंट। हमने टैग देख लिया, टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स देख लिए, अभी एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो कुछ भी उसमें है, उसका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, सबको मिला के एलिमेंट बनता है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बॉडी एलिमेंट, तो उसमें बॉडी भी इंक्लूड हो गया ओपनिंग टैग, उसमें अपना हेडिंग भी इंक्लूड हो गए, दूसरी हेडिंग भी इंक्लूड हो गई और बॉडी का क्लोजिंग टैग भी इंक्लूड हो गया। ये जो पूरा हाईलाइटेड एरिया है ये पूरा होता है बॉडी एलिमेंट। अगर मैं हेड एलिमेंट बोलूँगा तो हेड एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी चीज़ें आती है वो पूरी एलिमेंट मीन्स स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो कुछ भी है उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। टैग किसे बोलेंगे, जो आपके एलिमेंट में स्टार्ट में जो हम प्रोवाइड करते हैं हेड, जैसे यहाँ पे हेड है और यहाँ पे हेड है, ये हो गए आपके टैग्स। और एट्रीब्यूट्स होता है ये जो ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल प्रोवाइड किया, ये होता है आपका एट्रीब्यूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे HTML के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है, सो आपको कोडिंग करना ईजी जाएगा। थैंक यू।